कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने दालों की कीमत पर काबू के लिए एक बड़ी कार्य योजना तैयार कर ली है। इस योजना के तहत देश में दालों की उपज 70 लाख टन बढ़ाई जाएगी। सरकार का लक्ष्य अगले 5 सालों में दाल उत्पादन 2 करोड़ 40 लाख टन करने का है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी देश में कुल दाल उत्पादन 1 करोड़ 70 लाख टन के आसपास हुआ है। 2021 तक सरकार अगर तय लक्ष्य हासिल कर लेती है तो दाल के लिए आयात पर निर्भरता लगभग खत्म हो जाएगी। सरकार ने तय किया है कि इसके लिए प्रति हेक्टेयर ज्यादा उपज पैदा करने पर काम किया जाएगा। दाल उत्पादन वाले राज्यों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में किसानों को प्रशिक्षित किया जाएगा और ज्यादा दाल लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। 1 करोड़ 70 लाख से अगले 5 साल में 2 करोड़ 40 लाख टन दाल उत्पादन का लक्ष्य थोड़ा मुश्किल दिखता है, लेकिन तथ्यों के साथ परखने पर समझ में आता है कि ये इतना भी मुश्किल नहीं है। पिछले 2 सालों से कम बारिश की वजह से दाल की उपज बहुत कम हुई है, लेकिन साल 2013-14 में देश में दाल का उत्पादन 1 करोड़ 92 लाख टन के ऊपर पहुंच गया था, जो 2014-15 में घटकर 1 करोड़ 71 लाख और 2015-16 में घटकर 1 करोड़ 70 लाख से कुछ ज्यादा ही रह गया। सरकार इसी 1 करोड़ 70 लाख से 2 करोड़ 40 लाख टन पहुंचने की योजना तैयार कर रही है। इसमें कामयाबी मिली तो 2024-25 तक दाल उत्पादन बढ़ाकर 2 करोड़ 75 लाख टन करने की योजना है। इस योजना को मूर्त रूप देने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में 150 बीज भंडारण केंद्र तैयार किए जाएंगे। किसानों को बीज किट वितरित की जाएगी, साथ ही दाल के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। बायो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल बढ़ेगा और बेहतर तकनीक का भी। अभी प्रति हेक्टेयर दाल की उपज 750 किलोग्राम की है, इसे 2021 तक बढ़ाकर 900 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और 2024 तक 1000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर करने का सरकार का लक्ष्य है। सरकार को अभी हर साल करीब 50 लाख टन दाल का आयात करना पड़ता है। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि 70 लाख टन दाल की उपज बढ़ी तभी दाल की कीमतें घटाने में मदद मिलेगी, और ये हो पाया तो महंगाई के मोर्चे पर सरकार को एक बड़ी कामयाबी मिल सकेगी। साथ ही देश के किसानों को भी नियमित अच्छी कीमत देने वाली एक फसल मिल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मंडी.com।